देखो प्रश्नों का जवाब भी लेना है और प्रूफ लेके आना है। बाबा कोई बात नहीं, आपके सामने प्रूफ है ना, तो तुम दे दे रहे हो, प्रूफ देना है, ये पूछ रहे थे। बिना प्रूफ प्रमाण के लोग मानेंगे नहीं, बिना प्रूफ प्रमाण के लोग मानेंगे नहीं। बाबा प्रश्न मेरा है, समाधान मुझे थे। जो तेरा प्रश्न समाधान तेरा है, तो समाधान का समाधान देने के साथ साथ प्रूफ भी मिलता है। आवाज भी है, फोटो भी है, डबल डबल प्रूफ है। फोटो तो एक से बाबा बाबा जो आश्चर्य और विजय माला के मन के होते ना, तो उनसे जब नंबर जो डिक्लेयर होते हैं अष्टदेव और विजय माला के मन के भी तो अष्टदेव बनते हैं, तो वो जोड़ा बनेंगे ना बाबा। हाँ जी, जोड़ी तो जो विनाश के समय पर उनके विनाश के पहले उनके परीक्षा होगी, विनाश के पहले उनकी परीक्षा होगी, विनाश के पहले होगी। आपके नेपाली तो वही है बाबा, फिर जो नेपालियों स्वदेशों की परीक्षा पहले होगी, नेपालियों की परीक्षा पहले होगी। अब परीक्षा का टाइम आ गया, परीक्षाएं शुरू होने का टाइम आ गया। हाँ, भक्ति मार्ग वाले हैं वो आगे आगे जा रहे हैं, ज्ञान मार्ग वाले पीछे पीछे जा रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले नेपाल वाले पहले उनकी परीक्षा शुरू होगी, बाद में नंबर लग जाएगा। ज्ञान मार्ग वाले नेपाल वाले परीक्षा शुरू हो गई, चिंता क्यों करते हैं बाबा? ज्ञान मार्ग जब पीछे चल रहा है, इसका मतलब जो ज्ञान की जो परिपक्वता है वो बाद में बनेगी। और क्या, अभी कहाँ परिपक्वता है? परिपक्वता हो तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद न होने लगे। फिर बाबा जब तक ज्ञान भक्ति मार्ग अभी मुर्दाबाद हो रहा है, जिंदाबाद हो रहा है, फिर खुदा क्या देखती है? छोटी सी बच्ची है, बड़े बड़े जीत जातियों की कान काटेगी, पता है मुड़ किया क्या ना देख मुड़ के। तो बाबा बाकी जो मन के होंगे अष्टदेव के अलावा, तो उनकी परीक्षा जैसे बाबा ने बोला ना कि बस में दबे रहेंगे उनके शरीर वगैरह, उनके अपने हार्मोन्स चेंज होंगे, तो हार्मोन्स चेंज होने के बाद उनकी परीक्षा होगी। ओके, क्या बाद में क्या होगी, पहले ही होगी परीक्षा? मन को किस प्रकार से परीक्षा होती है? निश्चय बुद्धि या निश्चय बुद्धि की, बस इतनी ही परीक्षा। जिंदा है या मर गए है, अमर लोक में है कि मृत्यु लोक में है? बाबा नहीं, उसकी उनके आत्मिक स्थिति की जो परीक्षा की, ये हाँ इस नंबर में, तो ये सिर्फ अनिश्चय निश्चय बुद्धि के आधार पर ही पता चल जाएगा कि ये आत्मिक स्थिति में परिपक्व स्टेज प्राप्त करने जाए। ऐसे ही होता है क्या? एक योद्धा लड़ता है, उसमें 20-50 एकदम आक्रमण कर देते हैं चारों तरफ से, इधर से आक्रमण होगा, उधर से आक्रमण होगा, उधर से आक्रमण होगा, उधर से आक्रमण होगा, इधर से प्रश्न, उधर से प्रश्न, उधर। जैसे किसी गांव में कुत्ता जाता है तो उसके ऊपर 10-20 कुत्ते इकट्ठे दौड़ पड़ते हैं, अब वो चारों तरफ से लड़ता है, लाइन लड़ता है, एक ही चारों तरफ से उसका हमला होता है, चारों तरफ से लड़ाई लड़ता है। ऐसे है अभी जानवरों की दुनिया है, सकते है। अरे देखो देखो देखो, ये तुमको कुछ याद दिला रहे मैंने विचार गलत तो नहीं किया? नहीं बाबा, बिल्कुल सही बाबा, सब मौन रहे थे बाबा, प्रश्न सबके मन में है, लेकिन मुझे आगे कर दिया था बाबा। मिलता नहीं, दुनिया दुनिया में दूसरे धर्म वालों पर आदि चल रहा है, जो पक्के सूर्यवंशी उनका राज्य चल रहा है, राज्य किसका चल रहा है? वो ही ज्यादा बोलेंगे, वो ही ज्यादा भाषण करेंगे। माता जी रिकॉर्ड बंद कर दीजिए, मुझे नहीं प्रश्न पूछना, प्रश्न खत्म। अरे बड़ोड़ी बाबा सुनिए, एक प्रश्न, जो ऑर्डर नहीं मानते हैं उनको शूट कर देंगे, शूट करना मना क्या? शूट करना गोली मार देना, वो तो पता है हाथ में होगी, ज्ञान की गोली मारना, ऐसी ज्ञान की गोली मारेंगे वो मर जाएंगे, मर जाएंगे मैंने अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, भाग जाएंगे। हाँ ऐसा कड़क जवाब देंगे तो गोला मार देंगे बाबा, मतलब जाएंगे लड़ाई जो है वो सारी ज्ञान की लड़ाई है, ज्ञान की लड़ाई है, वो स्टेजेस भी जो है वो सारे ज्ञान के स्टेजेस, जैसे बाबा बोलते ना
कि शिव बाबा का जो ज्ञान है वो एकदम सतप्रधान है, उसके कारण सारी पुरानी दुनिया नई दुनिया बन जाती है। लेकिन वो चार अवस्था से किस आधार पर, क्योंकि शिव बाबा का ज्ञान तो कायम स्वरूप सतप्रधान ही होना चाहिए ना। ओके। वो साकार में तन में प्रवेश करता है, इसलिए वो स्टेजेस में इसलिए स्टेजेस में जाता है। ओके। इसलिए थोड़े जाता है। लेकिन शिव बाबा का ज्ञान तो एकदम एवर प्योर होता है ना। एवर प्योर तो एक के लिए एक में है, जो फैल रहा है चारों तरफ वो थोड़े ही एक में है, वो तो विस्तार को जा रहा है, विस्तार को जा रहा है। विस्तार के वाइब्रेशन और एक के वाइब्रेशन में अंतर होगा ना। बाबा अभी बताया ना कि परीक्षा होने का समय आ गया है, लेकिन बाबा ने मुझे वो बोला है रुद्र माला के मंत्र के अंत तक पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो पुरुषार्थ करते रहना मतलब पढ़ाई करते रहना, तो परीक्षा के बाद भी पढ़ाई होती रहेगी। परीक्षा के बाद फिर आएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर परीक्षा होगी। मतलब अंत तक पढ़ाएगी? जब तक पक्के सूर्य वंशी न बन जाए तब तक परीक्षा होती है, जीते मरते रहेंगे। लेकिन बाबा सूर्य वंशी आत्मा जो आत्मा में संस्कार भरा हुआ है ना। ओ, संस्कार भरा हुआ है सो तो एक बार भी पास हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, आठ है तो पास होते हैं ना, उनकी प्रजा भी पास होती है। परीक्षा देंगे बिल्कुल पास हो ही रहे, आज से लेकर अंत तक पास ही पास है, वो फेल कहाँ है। बाबा हिलती रहेगी, हिलती रहेगी। बाबा पुरुषोत्तम संगम लिखे 100 साल का, 100 साल का और संगम लिखे 100 साल का, 100 साल तो शास्त्रों में जो गायन है कि पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग जो है 100 साल का नहीं है, 60 साल का। पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष कब हुआ? 40 साल अभी, मतलब 76 से लेकर 2018 तक 40 वर्ष का है इसका मतलब, केवल 40 वर्ष। वो भी सबके लिए नहीं, सिर्फ एक के लिए ना। हाँ जी, नंबरवार है, कोई लिए 100%, कोई लिए 99%। नहीं, शास्त्र में जो जिसका गायन है, शास्त्र में कोई संगम युग का गायन नहीं है, ये ही हम पूछ लेते। पुरुषोत्तम मास का गायन है सिर्फ। बाबा फिर मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक्यूरेट मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक्यूरेट नरसिंह नारायण नारी से लक्ष्य। नहीं, जैसे आत्मिक स्थिति में टिकना, जैसे बाबा बोलते ना कि आत्मिक स्थिति में टिकना, ऐसा अगर कोई बच्चे पूछते हैं कि आत्मिक स्थिति में आज से लेकर अंत तक विष्णु ही टिकता है। बाबा बोलते ना कि अगर जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता वो सन्यासी है, और रुद्रमाला के मन के तो लक्ष्मी नहीं बन पाते हैं। बाबा ने बोला है कि जो नारी जो स्त्री का चोला बनेगा मिलेगा, तब राम वाली आत्मा को स्त्री का चोला मिलता है, तो क्या वो अपने अर्धांगिनी के समान संस्कार वाला नहीं बनता है? नहीं बाबा, जैसे तभी तो राम बनता है, बनती है उसकी पत्नी, समान संस्कार वाली है तभी तो राम बनी। फिर नहीं, जैसे बाबा बोलते हैं हम ऐसे जैसे लोग इसमें भी पढ़े पड़ते, अगर उसे जन्म में अगर लक्ष्य प्राप्त हो गया तभी हम कहा जाते हैं ना कि ये पढ़ाई है। तो वर्तमान में जो पढ़ाई पढ़ी जा रही है तो लक्ष्य की प्राप्ति किस रूप में कहा जाएगी कि हाँ हम ये बन गए, सो बन गए, सारे संस्कार में करके श्रीमत के अनुकूल आ जाएंगे। अभी तो श्रीमत की बहुत बरखिलाफी होती, एक बात मानेंगे दूसरी बात नहीं मानेंगे, उसको कहते हैं दूसरे ढंग की आत्मा, श्रीमत का उल्लंघन करने वाली आत्मा। मतलब अगर वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे समझ लीजिए क्या उस तो पक्के वो कौन गए उससे। हाँ, वो कोई तो सत्य उत्तरीयता के लिए सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे, कोई द्वापर उसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, कोई द्वापर मध्य में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई अंत में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई कलयुग के आदि में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई मध्य में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई चलते रहेंगे 84 जन्म चलते रहेंगे, अंत में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा कि बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका नाभि से माँ से कनेक्शन रहता है ना बाबा, जब कनेक्शन कट जाता है तो बच्चा नाभि के साथ अलग हो जाता है, तो वही नाभि कहा जाता है, कौन सा नाभि कहा जाता है? भाई मेरे भाई, यज्ञ में देखो, वृक्ष में देखो, जो पहला फल है
आम का आम मर आया और मर गया, एक सेकंड भी नहीं लगाया, आपकी किस स्थिति में आ गया, तो वो जो है वो नाभि से अलग होता है या नहीं होता है? पेड़ से अलग हो जाता है कि नहीं बीज? हाँ, पेड़ से अलग हो गया, पेड़ से भी अलग हो गया और डंठल से भी अलग हो गया, और वो फल जो है उसमें उसमें नाभि नाभि कट गई ना, तो नाभि कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी तो ये कृष्ण संगम जी, कृष्ण संगम जी राधा से सब कनेक्शन कट हुआ है कभी कि नहीं? संगम ही संगम ही कभी कनेक्शन कट हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया कनेक्शन, तो बस नाभि से अलग हो गया। अच्छा, फिर 16108 जो नसना दिया है कौन का भी? नहीं, जैसा आपने उदाहरण दिया ना कि वृक्ष से वो अलग हो गया फल बीज, लेकिन नस्य नाड़िया जो है वो तो वृक्ष के अंदर है ना बाबा? हाँ, तो है ना 16000 नस्य नाड़िया लक्ष्मी के साथ। अच्छा, वो पूरा कहाँ छोड़ती है, कनेक्शन लगती है ना बाबा, पूरा नष्ट हुआ कहाँ बनती है, लास्ट में जाकर के पूरे नष्ट हुआ 8 बन जाएंगे, तो भी राजधानी स्थापित हो जाएगी। फिर रुद्रमाला के मन के जो है वो अभी तो रुद्रमाला के मन के नाभि से जुड़े हुए नहीं ना बाबा, वो भी तो नंबर बार जुड़ेंगे, नंबर बार टूटेंगे, 8 जो है एक साथ टूटते हैं, इसलिए कृष्ण की प्रत्यक्षता द्वारा मतलब नाभि से सब जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे मतलब सभा संस्कार मतलब बाबा वो पहचान लेंगे कि ये उस स्टेज में पहुंच गए, इसलिए स्कूल में कृष्ण बच्चे जन्म लेता है। बाबा फिर 4.5 लाख आत्माएं हैं, बाबा बोलते हैं मुरली ने बोला है कि 4.5 लाख आत्माएं ही केवल कृष्ण को जन्म लेते हुए देखेंगे, तो 4.5 लाख आत्माएं मतलब 2018 तक वो आत्माएं ज्ञान में आ चुकी होंगी, उनके लिए प्रत्यक्षता होती रही, जैसे बाबा बोलते ना जो देखे जो सुने कहेंगे, तो धीरे धीरे सुनते रहेंगे, धीरे धीरे देखते रहेंगे, निश्चय करते हैं मेरा बाप आ गया, एक साथ थोड़े निश्चय कर लेंगे, टूटे हुए ज्ञान में आ जाएंगे, बाप को पहचान लेंगे, दोबारा निश्चय पत्र लिख देंगे या दोबारा सरेंडर हो जाएंगे, बाबा ने बोला है अभी तो हम अभी ऐसे नहीं समझना कि ये लास्ट समापन समारोह, तो दूसरी बार भी समापन समारोह मनावेंगे, चाहे बेसिक क्यों चाहे एडवांस क्यों, मतलब तो बाबा अभी जो सरेंडर क्या है वो क्या है, भाग्य बोला है ना आदमी बाबा, यज्ञ के आदमी वो जो रुद्रमाला के अंदर अभी आ रहे हैं मन के आ रहे हैं वो यज्ञ के आदमी थे ना, वो समर्पण हुए थे ही नहीं हुए थे, फिर दोबारा उनका समर्पण हो गया, फिर से बार समर्पण, वो तो पूर्व जन्म की बात हो गई, यहाँ तो एक ही जन्म में दो बार समर्पण होगा, एक ही बार, तो फिर बाबा वो तो लक्ष्मी के लिए लागू हो गया ना, फिर सभी के लिए लागू होगा, सभी ब्रह्मा कुमारी में लागू होगा, सभी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के लिए लागू होगा, अभी समर्पण हो गए फिर टूटे, माया फाइनल परीक्षा लेगी सारे टूट पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे सरेंडर होना शुरू हो जाएगा, बाबा समर्पण एक ही जन्म में दो बार, तो बचपन का हुआ फिर 18 साल का क्या हुआ बाबा, अभी लक्ष्मी है पहले उनको क्या हो गया, 9 साल के जब हुआ क्या हो गया, 9 साल के वो ही तो हुआ पहला इस जन्म में, शास्त्र में जो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं वो ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म का ज्ञान, और शास्त्र में ये भी दिखाया है कि शंकर पार्वती को ब्रह्म ज्ञान सुनाता है लेकिन कबूतर सुन लेता है, कबूतर को सुनाना था पार्वती के माध्यम से कबूतर को सुनाया जाता है और पार्वती नहीं सुन पाती है, नींद आ जाती है, कबूतर पार्वती से कबूतर श्रेष्ठ हो गया जिसने परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, तो कबूतर थे ना पहले सब बेसिक है, क्या मुरलियों का जो मुरलियों का ही तो ज्ञान दिया है ब्रह्मा ने, ब्रह्मा ने मुरलियों के अलावा कुछ और सुनाया, कोई क्लैरिफिकेशन सुनाया,
कोई नई बात सुनाई, वो ही बात है, रिपीट होती रहती है बेसिकली। पार्वती मतलब बाबा पहले पहले तो शिव बाबा ने तो पार्वती मतलब प्रजापति को पहले पहले ज्ञान सुनाया, वो सो गई थी एक आदमी। क्या शिव बाबा को जब कहती है तो साकार है साकार मेरा करने बाबा, फिर तो फिर वो साकर के साकर पार्वती के लागू होता है उस समय पर। अच्छा इसे इसका मतलब लक्ष्मी अभी सो गई है। सो ही तो पड़ी है और क्या, जिंदा है कुंभकर्ण है। फिर अभी रुद्रमाला के अंदर जो आ रहे हैं वो सारे कबूतर है, पिछले जन्म में थे ना कबूतर, अभी इस जन्म की बात कर रहे हैं। अभी इस जन्म में कबूतर से बढ़िया बन गए, तोते बन गए। पक्षियों का जन्म दूसरे पक्षी के रूप में हो सकता है कि नहीं, कबूतर के रूप से उनको मुक्ति मिल गई और तोते के रूप में। अरे कबूतर थे तो मुंह में से आवाज नहीं निकलती थी, अंदर की अंदर आवाज रह जाती है। संसार में ज्ञान फैला ही नहीं पाते, चाहते हैं अंदर अंदर घुटघुटाहट पैदा होती है, दिल घुटके खा रहा है, फिर भी दूसरों को ज्ञान नहीं सुना पाते। देखो सारी ब्रह्म कुमारियां समझती है सच्चाई कुछ और है, सच्चाई सुनाना भी चाहती है, बाप को प्रत्यक्ष करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो अंदर की आवाज उनकी अंदर ही रह जाती है, लोक लाज से बाहर निकल ही नहीं पाती। बाबा जाते हैं किंतु रुक जाते हैं। शास्त्र में कहा है मतलब जैसे आसुर स्वर्ग स्वर्ग पर आक्रमण करते थे, लेकिन वो ये भी इच्छा करते थे कि जब स्वर्ग ऊपर आक्रमण किया तो हम कैलाश के ऊपर भी आक्रमण करें, लेकिन वो कैलाश के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाते, उस स्टेज को वो प्राप्त नहीं करते, इसका मतलब ना। ओके। लेकिन फिर स्वर्ग की स्टेज और कैलाश की स्टेज, ये स्टेजेस में सबसे ऊंची स्टेज कौन सी, कैलाश की स्टेज होगी। शांति ऊंची है, शांति धाम ऊंचा है, सुख धाम ऊंचा है। ऊंचा क्या है, ऊंच के ऊंच धाम, बात ऊंच के ऊंच धाम का रहने वाला से कौन है, शिवा धाम कौन सा होगा, शांति धाम। मतलब बाबा जो स्वर्ग में जाते हैं वो केवल आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, और जो शांति मूलतः जो शांति संपूर्ण वो सिर्फ कैलाश में जाने के बाद। 100% शांति माने नो शरीर, शरीर ने आपके को पूरा मुर्दा। हाँ जी, इसलिए 100% शांति से 0.1% भी नीचे उतरे तो सुखधाम शुरू हो जाता है। हो पा बाबा ने बोला है ना आज बात से स्पष्ट देखने में आएगी दुनिया में, तो आज बात से कब देखने में आएगी, क्या क्या बाबा ने मुझे में बोला है ब्राह्मण की दुनिया में आज बात से स्पष्ट देखने में आएंगे। हाँ ये आठ है रतन, अष्ट रतन है कि नहीं, 12 × 8 = 108 बारह बारह के ग्रुप है, वो आठ आठ बादशाहियां देखने में आएंगी। वो बेहद में या हद में, अरे बेहद में ही तो कौन सी हद में, राजा कहाँ है, सारे अनिश्चय बुद्धि कहाँ, बृहस्पति तो बचेगा ना, बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है ना, ये बड़े से छोटे छोटे टकराएंगे तो छोटे कथा खलास होंगे कि बड़ा खलास होगा, छोटे वाले खलास हो जाएंगे, छोटे छोटे खलास। जिंदाबाद मुंह बताइए। फिर बाबा उसके बाद खालसा का राज्य शुरू होगा क्या है, उसके बाद खालसा का राज्य शुरू है, राज करेगा खालसा, फिर बड़ी मम्मी राज करेगी। एडवांस के आदि में भी बड़ी मम्मी ने राज किया, अंत में भी वही राज करेगी, वही राज करेगी। बाबा पटरानी जो है विजय माला से जो छोटी मम्मी है उसी गद्दी तो मिलेगी, गद्दी मिलेगी, लेकिन बड़ी मम्मी फिर भी और ऊंची गद्दी पर बैठेगी। बाबा इसलिए वो ऊंची गद्दी पर बैठेंगे पुरुषार्थ का समय मतलब संगम में जो पुरुषार्थ के उसके अनुसार मिला है, आदमी सो आदमी ऊंची स्टेज में थी तो अंत में भी ऊंची स्टेज में जाएगी। पटरानी जो है विजय माला से निकलती है ना बाबा, पटरानी विजय माला से निकलती है, पटरानी है दूसरे धर्म की है तो पट में गिरती है। तो जो बाबा अभी रुद्रमाला के मंडकों के अंदर जो सत्यभामा हो या रुक्मिणी हो तो बताया जाता है तो दूसरे धर्म की हुई ना, रुद्रमाला के अंदर फिर वो कैसे आ गई, पटरानी तो वहाँ से निकलना है ना। वाह, वो पटरानी जो सूर्यवंश से लेके जो चंद्र
पक्के चंद्रमन से निकलेंगे लक्ष्मी समान होंगी कि दूसरे समान होंगी? और धर्म को और धर्म की होंगी चंद्रमा? राधा समान होंगी कि दूसरे समान होंगी? फिर रुक्मिणी सत्यभामा जमुन के रुक्मिणी विपुणी के घर वाले तो लड़ाई लड़ते हैं। फिर वो तो रुद्रमाला के अंदर है ना? है रुद्रमाला के मनकों के अंदर ना? कौन ये रुद्रमाला? सत्यभामा बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर इनको पटरानी कैसे कहा? पट्ट में गिरती है इसलिए। मतलब रुद्रमाला के मंडकों के अंदर भी पटरानियाँ होगी? पट्ट में गिरती है, प्रसाद करते करते ऊंची चली जाती है, कहती है ये है वो है वो है वो है, मैं बहुत ऊंचा पार कर दिया। फिर उसके बाद आखिरी पेपर में आया होता पट्ट से ज्यादा गिरती है। ज्यादा सेवा करते हैं लेकिन बाबा उनकी तो भावना ये रहती है ना बाप को प्रत्यक्ष करने की, तुम्हारे बाबा भी तो लिटरेचर की सेवा करते थे बेसिकली, उन्हें और कोई सेवा दी नहीं जाती थी, प्रदर्शनी समझाने के लिए परमिशन नहीं, किसी को सरकोर्स देने की भी परमिशन नहीं, बस लिटरेचर पर बैठे रहो, सबसे नीचे धर्म में जाके गिरा दिया। ज्यादा सेवा क्यों करना? माता की भी सेवा करना, कोर्स देने की भी सेवा करना, संदेश देने की भी सेवा करना। कौन मतलब जो लिटरेचर की सेवा अधिक करते हैं वो बाबा तो कहते हैं भावना का भाड़ा भगवान देता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पर बाबा हर समय जी तो भगवान के विरोध करते हैं ना? हर समय विरोध थोड़ी करते हैं, आज विरोध करते हैं तो अंत में सहयोगी नहीं मानते है, लास्ट वाला धर्म है तो सबसे ज्यादा विरोधी होगा ना। बोल 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 बोल। यहाँ पर जिसको बाबा ने निमित्त बनाया लिटरेचर की सेवा के लिए, क्या वो भी आयुष मजी धर्म की आत्मा हो जाएंगे? फिर किसको निमित्त बनाया? निमित्त बनाया बाबा ने, क्या वो आयुष मजी धर्म की आत्मा है? क्यों लिटरेचर की सेवा कर रहे हैं? तो क्या वो ज्ञान का मन चिंतन मंथन नहीं करता? करते बाबा। अमृत वेला याद नहीं करता? करते बाबा। तो फिर साकार भी याद नहीं करता? करते। साकार से कनेक्शन नहीं है? आज समझ का तो कनेक्शन नहीं होता साकार से। जय जय श्री राम। क्लास नहीं जाता बाबा वार्तालाप में बोले ना कि तुम सब पार्वती हैं, ठीक है, पार लगाने के निमित्त बनते हैं, ठीक है, लेकिन पार लगाने के निमित्त तो विजयमाला के मड़के बनते हैं ना? नहीं, तुम सब पार्वतियाँ हो, इसका मन नंबर वार पार लगाने वाले तुम ही हो, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन डूबने वाले और डुबोने वाले, खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं, चाहे वो शंकर हो चाहे ब्रह्मा हो चाहे कोई साधारण पुरुष हो, सब डुबोने वाले। लेकिन स्त्रियाँ चाहे रुद्रमाला की हो, कन्याएं माताएं चाहे रुद्रमाला की हो चाहे विजयमाला की हो, तो सब कैसी होती है? पवित्रता को विशेष महत्व देने वाली होती है। वो ये नहीं चाहती है कि हमको हमको जबरदस्ती ढेर सारे पुरुष जो है हमको पकड़े और हमको नीचे गिरा दें। पर रुद्रमाला के मड़के तो भले स्त्री चोला है लेकिन रुद्रमाला में पुरुष का संस्कार है ना? संस्कार होते हुए भी स्त्री जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं। जिस समय स्त्री जन्म लेंगे उनकी भावना जो है पवित्र रहने की होगी, क्योंकि सूर्यवंशी है सर। जय जय श्री राम। बाबा क्या बाबा जो लिटरेचर की सेवा करते हैं ना, बाबा 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 ट्रिब्यूनल बैठे जाके चलते ट्रिब्यूनल बैठेगी बाबा ट्रिब्यूनल क्या मतलब किस चीज के लिए बैठेगा और क्या जज करेंगे बाबा? ब्रह्मा विष्णु शंकर का तीनों ट्रिब्यूनल में ब्रह्मा वाली आत्माएं ब्रह्मवंशियों के लिए ब्रह्म समाजियों के लिए मुखिया जज है, और जो विष्णु वाली आत्मा है वैष्णव संप्रदाय वालों के लिए मुखिया जज है, और जो राम वाली आत्मा है तो सूर्यवंशियों के लिए मुखिया जज है, तीनों मिलकर के जजमेंट करेंगे। किस बात की जजमेंट करेंगे बाबा? किस कौन को किसने किस नंबर में जाना चाहिए, कौन को कितनी सजा खानी चाहिए, कौन को
पुरस्कार मिलना चाहिए। त्रिमूर्ति साकार में होगी ना? ओके, साकार में त्रिमूर्ति झंडा होगा? नहीं, कपड़े का ही झंडा होगा? नहीं। तो फिर ये तो प्रश्न ही ऐसा करती है, खुद नहीं समाधान करती, इसकी बुद्धि में आता ही नहीं। आता नहीं तभी तो कृष्ण पूछ रहे हैं। राम राम राम। शंकर की प्यारी नगरी काशी है ना बाबा? बिल्कुल। तो राम की प्यारी नगरी क्यों नहीं कहते? राम तो त्रेता का नाम प्रसिद्ध है दुनिया में, ये थोड़े ही कहते हैं कि संगम युग में कोई राम होते है मेरा का। संगम युग जब तक चलता है तो राम है, वो तो फेलियर की लिस्ट में है। और दूसरा प्रश्न आया है बाबा, क्या प्रश्न आया हो? ज्ञान योग और धारणा का सार क्या है? ज्ञान योग धारणा का सार है नारायण, मतलब कैसे बाबा? लक्ष्य प्राप्त कर लिया, सार आ गया। फिर लक्ष्मी क्या है? वो भी तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वो भी अर्धांगिनी, मतलब बराबर बराबर को पूछा। बिल्कुल, थोड़ा कम है। वो संगम युग में विश्व का महाराजा है, वो त्रेता में महारानी बनती है, महाराजा बनता है। तीसरा प्रश्न है बाबा, दूध तो जानवरों का होता है ना? जानवर फिर बात काट दी ना, फिर दोबारा उसी बात को देवताओं के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। देवताओं का जानवर चढ़ाया जाता है, दूध जानवरों का। वही माताओं का दूध पिलाते हैं वो तो भक्ति मार्ग वाले हैं। ये तो माताएं, गंगा माता है, जमुना माता है, सरस्वती माता है, उन माताओं का क्या दूध है? जानवर दिखा दिया उनको। जानवर लोगों की बात इसलिए है, जानवर बुद्धि है। फिर वो देवताओं के ऊपर क्यों चढ़ाया था? कृष्ण ऐसा आया हुआ है, वो जानवर है थोड़े ही, ये तो संपूर्ण स्टेज में पक्की पक्की माताएं है ना, कन्याएं है ना, पुरुष स्त्री पुरुष है ना, मनुष्य है ना, मनन चिंतन मंथन करने वाले है ना। बाबा विराट रूप में ब्राह्मण चोटी नहीं दिखाते ना? क्योंकि वो पुरुषार्थी है। लेकिन जो आसुर जैसे आत्माएं हो या जानवर जैसे आत्माएं है, वो पुरुषार्थ उनका पूरा हो गया, इसलिए वो विराट रूप में उनके चेहरे दिखा दिए। क्या सर में कहाँ दिखाए? विराट रूप में दिखाते ना बाबा जानवर। सर में कहाँ है? वो नीचे है तो मुख है ना बाबा? मुख तो संगम युग है ना, सबसे ऊंचा युग कौन सा है? तो उनके तो मुख है ना बाबा? मुख है, वो नीचे है ना, चोटी में थोड़े ही है। ये ब्राह्मण तो चोटी में है। ब्राह्मण चोटी का मतलब पुरुषार्थी? हाँ पुरुषार्थी। और ये जो ब्रह्मा ब्राह्मण से देवता बनने वाले और जो चेहरे प्रत्यक्ष हो चुके हैं, वो संपन्न स्टेज के अंदर संपन्न, संपन्न जानवर है, संपन्न राक्षस है, संपन्न देवताएं हैं, संपन्न मनुष्य है, संपन्न मनुष्य है, सब कुछ है। मतलब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसे रह जाते हैं? ऐसे कैसे नंबर बार रह जाते हैं। फिर बाबा ये 16,108 जैसे कहा जाता है ना कि विष्णु के नाभि जो है 16,108 में से नाड़ियाँ होती है, 8,000 होते हैं पाप कर्म करने वाले पुण्यात्माएं, आधे होते हैं पापात्माएं है। तो ये रुद्रमालिका मन के और विजयमालिका मन के कहा जाता है, तो उनका जो कनेक्शन है प्रत्येक इंद्रियों से आ जाता है ना बाबा? इंद्रियों से आता है ना, मतलब नस नाड़ियों का कनेक्शन हर एक इंद्रियों से आता है ना? ठीक है, शहर से शरीर में ही नशे नाड़िया है ना, शरीर में इंद्रिय। तो विराट रूप में जो चेहरे दिखाते हैं या जो नशे नाड़िया जो है, तो उनके संस्कारों के अनुसार वो नाड़ी वहीं पर पहुंचेगी, मतलब उससे उस तो काला खून है गंदा होकर के काली नसों में पहुंचेगा, फिर हृदय से शुद्ध होगा तो गोरी नसों में पहुंचेगा। हृदय है ब्रह्मा बाबा। लेकिन बाबा जो ब्राह्मण जो पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, जैसे बाबा ने कहा है, तो दूसरे धर्म के चोटी के ब्राह्मण है, चोटी के ब्राह्मण में भी तो नीचे ऊपर बाल है, कोई बाल नीचे है, कोई ऊपर है, कोई दाएं है, कोई बाएं है, कोई बीच में, एक जगह के बाल थोड़े ही। बोलो 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 बाबा, महादेव भी दिखाएगा ब्रह्मा जो झूठ बोलता है ना, तो झूठ बोलने में किसी भी पुरुष को सहयोग देती है, तो इसके वजह से ब्रह्मा को श्राप मिल गया कि ना उसकी मूर्ति बनेगी, ना मंदिर होंगे, ना ही मंदिर की पूजा होगी। उसका नाम केतकी मालूम क्यों पड़ा? नहीं बाबा। के माने कितने को, और तकी माने तकी बैठी है। ये भी मेरे को मिल गया, मिल जाए तो मैं इसको अपना पति बनाऊं, ये मिल जाए तो इसको अपना पति बनाऊं,
ये ना ये ज्यादा अच्छा है, ये मिल जाए तो इसको पता नहीं कितनों को तक ये बैठी, इसलिए उसका नाम के तक ही पड़ गया, वो ही बुद्धि खराब कर देती है बेचारे। कौन ब्रह्मा को साथ मिल गया, तो क्यों बेविचारणियों के संपर्क में संसर्ग में आना चाहिए, उनकी उनके प्रभाव में क्यों आना चाहिए जो झूठ बोलना पड़े। जो राजाएं रणजियों के प्रभाव में आ जाते हैं उनका राज्य फिर कैसा चलेगा, कैसे चलेगा, सारे राज्य वैश्या फैल जाएंगे ना, फिर पवित्रता तो रहेगी नहीं, राज्य खत्म हो जाएगा। बाबा में कौन है बाबा, क्या कुमार साथ में नहीं थी, हाँ, तो फिर मुखिया हो गई कितनी, कई कई कहो कई कई कहो के तकी कहो, बात तो एक ही है। हाँ बाबा, जो सुंदर है उसी को हेरती है, दूसरों को हेरती नहीं देखती है, मैंने शरीर की सुंदरता को देखती है और वो है सही, क्या सही मैंने सही सही को देखती है, शरीर की सुंदरता नहीं देखती, अंदर की भी तो सुंदरता देखती ही है, कोई वहां दिखा दिया सुरुचि और सुनीति, वो सुंदर नीतियों वाली है लक्ष्मी, वो सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली है। तो दिखाते कि शिवाजी को बीज दे करके, किसने बीज दिया, सोयरा, फिर वो अच्छी है कि खराब है, जगदम्बा है ना, फिर विष नहीं दे दिया, इधर कैसे दिए, और यार विष नहीं पी रहा है, जगदम्बा रहती तो विष खाएंगी पीता, महाभारत में दिखाया है कि जब सभी का विनाश हो जाता है ना महाभारत महाभारत लड़ाई के बाद, तो द्रौपदी कृष्ण से पूछती है कि लड़ाई में सबका विनाश हो गया फिर हम क्यों जीवित रह गए, तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि आप सभी मतलब जन्म नहीं ले माँ के गर्भ से, आप सभी देवताओं के प्रसाद हैं, और द्रौपदी भी यज्ञ कुंड से जन्म दी दिखाया गया शास्त्रों में, तो इसकी वजह से उनका विनाश नहीं होता, तो इसका क्या अर्थ है बाबा, दिव्य जन्म लेते हैं, जिनका दिव्य जन्म होता है, जिनका स्थूल विषय मूत से जन्म जिनका नहीं होता है वो ही जिंदा है, ज्ञान से ब्रह्मपुर के ज्ञान से जन्म होता है, मुख वंशावली है, जो कुख वंशावली है गोद में से जन्म होता है वो नहीं रहे, लेकिन द्रौपदी ने भी अपने बच्चों को जब जन्म लिया था तो इंद्र से थोड़ी दिया था, इंद्र से तो नहीं दिया था ना, वो भी तो शास्त्र में बताया जाता है कि उन्होंने तपस्या करके जन्म दिया, बीज किसने डाला, पांडव ने डाला भी, तपस्या करके की है ना, अरे वो पैदाइश कैसे हुई, देवताओं से पैदाइश हुई, बिना देवताओं से पैदाइश हुई, तपस्या के द्वारा बताते हैं, हाँ तपस्या की, मंत्र पढ़ा तपस्या की तो वरदान देने कौन आया, उनको बीज ज्ञान उनको बीज डालने वाला कौन आया जो वो देवता पैदा हुआ, ऐसा नहीं बताया गया, उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया था, हाँ तो फिर लेकिन वो भी मारे गए ना, वाइब्रेशन किसके आए, देवताओं के वाइब्रेशन आए कि तो पांडव के वाइब्रेशन आए, बाबा लेकिन तुमने भी तो एक ही जन्म लिया था, फिर उन्होंने क्यों फिर छोड़ दिया, वो तो पुरुष है ना, दुर्योधन जो शासन लिस्ट में ना, पांडव है तेरे ही नहीं, यहाँ बिहार ही नहीं रहता, बाबा पांडव भी तो पुरुषों को देखती है क्या, पांडव भी तो पुरुष देवता थे, देवताओं के बच्चे थे, तेरा बोला उसका बाप कौन था, द्रुपद है तेरे की, मैंने देखी कुंडली की शक्ति के जो सात चक्र बताते हैं ना, कुंडली कुंडली शक्ति के जो सात चक्र बताते हैं, क्या वो क्या वो सात चक्र सात नारायणों से कनेक्टेड है, बिल्कुल सात रंग है ना,
मतलब जैसे जो स्टेज प्राप्त कर लेंगे तो उनके स्टेज पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर जहाँ उनका पुरुषार्थ रुक जाएगा तो वो उस कैटेगरी में। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, ये जो कहा जाता है ना बाबा, कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है? माता हो रहा है बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म अवतरण में दिखाए जाते हैं बाबा, तो उनके स्टेजेस के अनुसार दिखाए गए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उनकी स्टेज है सबसे ऊंची स्टेज है शंकर की, जो कम्प्लीटली निराकार स्टेज है से जुड़ा हुआ है। हाँ। और विष्णु की उनसे नीचे की स्टेज दिखाई गई, तो शरीर में साइंस बताता है दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले से भी जुड़ा हुआ है, नीचे वाले सब वाले से भी जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल है। तो बाबा साइंस कहते हैं कि ओम जो अक्षर है ना, हाँ ओम, तो वो अक्षर मतलब जैसा साइंस कहता है कि पेट का जो भाग है वो है ब्रह्मा, छाती का जो भाग है वो है विष्णु, और जो चेहरा जो है वो चेहरा कम्प्लीटली शंकर का कहा जाता है। तो उसमें ही सारा साइंस के अनुसार कहा जाता है कि ये सारा शरीर, तो वो स्टेजेस जैसे शंकर की कहा जाता है कि वो स्टेज को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सारे की सारी शक्ति एकाग्र कर लेता है, आत्मा को प्राप्त कर लेता है, जस्ट मतलब बाप समान बन जाता है, इसलिए वो उनका दिखाया गया। तो विष्णु उस स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाता है, कैसे बाबा फिर वो छाती में कैसे दिखाया गया? छाती माने बीच में आ गया ना, बीच में मतलब कैसे बाबा, मतलब आत्मस्थिति प्राप्त नहीं कर पाता है वो? नहीं, पूरी आत्म की स्थिति थोड़ा ही है, पूरी आत्म की स्थिति होती है तो पहले चला जाता ना ऊपर, तो फिर उस कौन से स्टेज कहा जाता है? लक्ष्मी। तो मतलब वो वैष्णो देवी, वो तो पत्नी है ना शंकर जी की, विष्णु ये शंकर जी जब कहीं फंस जाते हैं तो वो पत्नी जाकर उनको अपनी प्योरिटी की पावर से बचा लेती है। इसका मतलब बाबा, जब जब बच्चे मतलब मनुष्य आत्मा जो भी आदमी बैठते हैं कम्प्लीटली अगर उनकी आत्मस्थिति है तो वो कैसे निराकर स्टेज को प्राप्त करने वाली आत्मा होती है? मतलब लक्ष्मी कोई संकल्प ना आए, सिर्फ एक बिंदु मेरा बाप बिंदु, बस बिंदु के सिवा कोई संकल्प ही नहीं बाबा। वो स्टेज मतलब निरंतर होनी चाहिए ना, निरंतर होनी चाहिए तभी होगा ना ऐसा। और क्या, 8 घंटे ये स्टेज बनानी है, 8 घंटे स्टेज मतलब बाबा निरंतर की बात है या कैसे? 8 घंटे बनी माने निरंतर बन जाएगी, मतलब बाबा कोई बोलते ना कि हम याद में बैठते उस समय पर बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में वो कर्मणा सेवा करने लग जाते हैं, तो कर्मणा सेवा में बुद्धि चली जाती है, या कुछ कर्मणा सेवा कुछ बातें होती है जिसमें बाद बुद्धि पूरा इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन कम्प्लीटली याद तो नहीं रह पाती, ऐसे करते करते घंटे घंटे अगर याद करते हैं तो भी वो 8 घंटे गिनी जाएगी क्या? या नहीं, जो शिव बाबा का मंदिर है उसमें जो लिंग है वो किसकी यादगार? साकार की यादगार, साकार कहाँ बैठा हुआ है, कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, 8 घंटे का कर्म कर रहा है कि 24 घंटे का कर्म कर रहा है? बोलती क्यों नहीं? आप बताइए। अरे अरे, वो 24 घंटे मंदिर में रखा हुआ है कि 1 घंटे के लिए रखा हुआ है? तो संपन्न स्टेज हो गई ना, निराकार स्टेज में बैठा हुआ है या साकार की भी याद आती है? साकारी कर्म करते हुए भी, साकारी इंद्रियों के संसर्ग संपर्क में रहते हुए भी निराकारी स्टेज में, बुद्धि का कमाल है ये सारा, देह का कमाल नहीं है, मतलब देह की इंद्रियां कंट्रोल में हो गई मन बुद्धि के, वो देह की इंद्रियां सुख नहीं भोग सकती उस समय, जबकि बाबा की याद है। बाबा, 2018 में एक आत्म संपूर्ण हो जाएगी? एक क्यों, 8 नहीं संपूर्ण होंगे? 8 संपूर्ण होंगे कम से कम, तभी तो राजधानी बनेगी कि एक से बन जाएगी? नहीं, फिर बाबा ज्ञान नहीं सुनाएंगे, 8 तलाक मारेंगे। क्या आई थी? फिर बाबा ज्ञान नहीं सुनाएंगे हैं? बाबा ज्ञान नहीं सुनाएंगे, 18 के बाद ज्ञान नहीं सुनाएंगे, 18 के बाद ज्ञान नहीं सुनाएंगे। जब स्टेज ऐसी बन गई तो देखने मात्र से ही आदमी के ऊपर असर पड़ जाता है, मेरा बाप आया हुआ, जो देखे उसके मुंह से निकले मेरा बाप आया हुआ, और एक अक्षर भी सुना तो उसके बुद्धि में बैठ गया, हाँ ये हमारा बाप है। बाबा, महाभारत में दिखाया
कि क्या बोलते कर्ण को मारने के लिए जब तक कर्ण की बुद्धि से ज्ञान नहीं निकलता तब तक अर्जुन उस पर वार नहीं करता, मानो बिना ज्ञान के विस्मरण से कर्ण का वध नहीं हो सकता था। इसका क्या अर्थ है? क्या कर्ण जब तक अपने विद्या को नहीं भूल पाएंगे तब तक उसको मार नहीं सकते, तो जब वो विद्या को भूल जाते हैं तभी अर्जुन मार करते हैं, तब तक उसकी मृत्यु होती है। इसका अर्थ क्या है? कारण यही है कि संग का रंग लग जाता है ब्रह्म कुमार कुमारियों को, मुरली याद नहीं रहती है, बस गुलजार दादी याद आती है। गुलजार दादी याद आई और ये भागे गुलजार दादी में प्रवेश करने के लिए, एडवांस पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं। शंकर का मस्तक छोड़ दिया चंद्रमा ने और ये गया वो गया वो गया वो गया वो गया। भारत में दिखाया ना अश्वत्थामा जो है उसको कृष्ण श्राप देते हैं कि ना मर पाएंगे वास्तव आज तक मरेंगे नहीं भटकते रहेंगे और उनके रोग में कीड़े पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने उत्तरा के गर्भ को खंडित किया। तो अश्वत्थामा कौन है बाबा जो अभी भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए भटक रहे हैं? मतलब मनुष्य बुद्धि होना ना, फिर मनुष्य बुद्धि नहीं हुई इतने बुरे कर्म करके भी मुश्किल कहाँ हो गई? ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे बना गुना होती हो। तू सबसे बड़ा पापी भी है सबसे बड़ा पुण्यात्मा भी है। कौन है? वो अश्व माने आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा, थामा माने थाम लिया, यहाँ से हट नहीं सकता। पॉजिटिव है ना, अच्छी बात है। लेकिन बाबा जो शास्त्र में दिखाया गया अश्वत्थामा वो तो अधर्म कर रहे हैं ना, और ये जो राम मूल्यात्मा है वो धर्म। प्रजापिता में धर्म अधर्म दोनों है कि नहीं? अरे गीता पढ़ती है कि नहीं? पढ़ रहे फिर अशुद्ध भाव है वो भी मेरे अंदर है, जो शुद्ध भाव है वो भी मेरे अंदर है। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? भगवान स्वरूप है बाबा उत्तरा के घर को खंडित करते हुए दिखाया। हाँ मतलब ये है उसका वंश खत्म करने के लिए कुछ चेष्टा की। ओके सारा देखो बुरो का तो विनाश हो ही गया, जो अच्छे रह गए पांच उंगलियों में जगह योग्य उनका भी वंश खत्म करने के लिए उसने काम कर दिया। और क्या सारी दुनिया बस अच्छों को कुछ नहीं खत्म करती है, पूरी दुनिया को खत्म करती है, सारी दुनिया को खत्म कर देती है। मतलब बाबा जैसे बाबा होते हैं ना विनाश कर दूंगा तो ये उस बात के लिए लागू होता है, ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा तो वो उस समय के लिए लागू होता है। लेकिन उसको फिर उसका द्विज जन्म भी तो होता है, गर्भ में ही उसका द्विज जन्म होता है ना। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई है जिसकी वजह से एक से फिर अनेक पैदा हो जाते हैं। एक से दो पत्ते निकले, दो से चार निकले, चार से आठ निकले, ये सृष्टि मल्टीप्लाई होती रहती है। बाबा तो कन्या को भेज देते हैं। जब मालूम है ना घर में जाकर के और स्वच्छंद हो जाती है। हाँ बाबा। फिर उनके माँ बाप तो ध्यान देते नहीं उतना। हाँ बाबा। फिर माँ बाप तो है दुश्मनों के संग में चली गई तो नीचे ही गिरी ना। हाँ बाबा। माँ को माइके माइके जाने की शूटिंग कैसे होती है? हो रही है ना अभी, छोड़ के चली जाती है तो माइके गई तो वापस जाते हैं ना माइके जब जाते हैं। अच्छा छोड़ के नहीं जाते बाबा वापस जाते ना, घर जाने की परमिशन ही नहीं है इधर की। नहीं लॉकिंग में जब जाते हैं तो लॉकिंग की शूटिंग होती है ना यहाँ, परमिशन देते तभी जाते हैं। हाँ हाँ जाते हैं यहाँ शुरुआत में जाते रहे कोई पति भी नहीं मिल रही है क्योंकि तब प्रधान शूटिंग हो रही। अभी तो मालूम है जाएंगे तो मरेंगे। शादी में वैसे मुरली में बोला हुआ है, जब से मुरली में बोल दिया कि घर में जाएंगे तो माया वो महिला एक बैठी हुई है खा जाएंगे। हाओ पूरा ही आप कर लेंगे बाबा। लेकिन बाबा ने बोला है ना बाबा यदि की आदि में जो कन्याएं चली गई थी सर्विस फील्ड में चली गई थी फिर उसमें से बच करके 70-80 कन्याएं थी सेवा करके आई थी, आप सामान बना करके आई थी, फिर ये रुद्रमाला के मंत्र कब लागू होगा? ये
ऐसे भी निकलेंगे, सब करेंगे बाबा। क्योंकि बाबा ने बोला ना जब तक इंदौर वाले आएंगे नहीं तब तक रेल में नहीं आएंगे तब तक। क्यों 1998 में ऐसी स्थिति नहीं हुई थी, जो 100 कन्याएं अंदर रही पड़ी थी उनमें से 40-50 भाग गई थी कि नहीं? हाँ, तो बाबा वो जैसे आदि में हुआ अंत में हो गया ना, वही अंत हो गया, 98 अंत हो गया, वही अंत हो गया बाबा जी, वही हो गया। फिर दोबारा ऐसे शूटिंग नहीं होगी ना बाबा? फिर होगी, फिर सब खत्म हो जाएंगे, फिर सब खत्म हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। कहाँ जाएंगे? दुनिया में चले जाएंगे कांटो में, जंगल में चले जाएंगे। मुझे भी बोले आगे चल के कन्याओं को बाबा सर्विस के लिए घर भेजेंगे, उस टाइम अगर कोई मना करेंगे तो नाफरमान कहाँ जाएगा? बाबा थोड़े भेजेंगे, ड्रामा भेजेगा, बाबा नहीं किसी के सोचते। नहीं बोले अगर उस टाइम अगर नहीं जाएंगे तो सेवा करने के लिए नहीं भेज सकते, सर्विस करने के लिए थोड़ी भेजा है, तो वहाँ जाकर के कसम बना के बैठो। सेवा में जाना इसका मतलब सेवा करो जाके। हाँ वही मतलब सेवा करो कि हम एक की बन चुकी है, तेरी हत्यारी थोड़ी बनने वाली है। बाबा जब ऐसा दृढ़ संकल्प होगा तभी तो बाबा फील्ड में इंदौर वालों को बाहर भेजेंगे ना। दिखाओ अपना महावीर पन। तो फिर अंत में तो रुद्रमल के मन के फील्ड में निकलेंगे। अच्छा बाबा दूसरे प्रश्न ये कि ध्रुव के लिए बताया जाता है ना कि ध्रुव ने ये कहा था जब तक मुझे साकार में विष्णु का दर्शन नहीं होता है तब तक मैं तपस्या करता रहूंगा, तो नारद ने उसको ये कहा था कि तुम्हें ऐसा याद करना है जो नाभि से सांस को भी रोक देना है तब तुम साकार में परमात्मा को पहचान सकते हो। तो प्रश्न ये कि जब वो तपस्या वैसे करने लगता है तो सारा सृष्टि का जो थम जाता है, पानी बहना थम जाता है, हवा रुकने जाती है, मतलब जब बिंदु रूप में स्टेज में रुक जाओगे तो पांचों तत्वों का ध्यान रहेगा क्या? नहीं, सब रुक गए ना सारे तो भी ध्यान तेरा भला हो कितना भी समझाओ जहाँ की तहाँ खड़ी रहे। नहीं बाबा क्या एक बार बताया था बाबा ने 10 साल पहले की बात सुनाई, ज्ञान आगे बढ़ता रहता है 10 साल पीछे जाता है। नहीं जैसे कहा है ना कि एक तरफ बाप रहेगा और बाकी सारी एक तरफ एक दुनिया में तो हुआ ना यज्ञ के आदमी ऐसा ही हुआ, अभी फिर ऐसा ही होगा, मतलब सारी दुनिया अनिश्चय बनेगी, सारी अनिश्चय बुद्धि बनेगी, मतलब ध्रुव है इसलिए उनको एक कोई ध्रुव कहा गया, थोड़े समय के लिए अष्टदेव भी अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे इसलिए उनको एक कोई ध्रुव कहा गया, एक ही ध्रुव है उसी के आसपास सारी दुनिया घूमती है। पर इसका मतलब उनके वाइब्रेशन के आधार पर ही तो सारे चल रहे हैं बिल्कुल, तो इसका मतलब उनके जो 5 तत्व है वो जितने तत्व प्रधान बनेंगे उन्हीं के आधार पर सारी दुनिया, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज है ना वो, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके अंदर जो संस्कार होंगे उसी के आधार पर पूरा वृक्ष तैयार हो जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो तमो प्रधान जो बताया गया है या सत्व प्रधान बनाया गया बाबा, जैसे सृष्टि का प्रलय होना वगैरह, तो वो उसके लिए निमित्त भी कौन बनता ज्ञान के आधार से, मतलब सूक्ष्म रूप में असुर है वो बनते हैं, असुरों का विनाश कराने आता हूँ, उनके देवताओं का विनाश कराने आता हूँ, और सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती तो सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। बोलती है राम से दुखी जय, क्योंकि मैं रावण संप्रदाय नहीं हूँ, सारी दुनिया रावण संप्रदाय, ये रामू लेना कहती है, मैं तो हूँ ही रावण, रावण संप्रदाय भी नहीं मैं रावण ही हूँ। बाबा जिससे बुलाते हैं तो कोई मतलब बाबा की बात को नहीं मानते तो क्या वो सुना दिन भी आत्मा है या फिर हम मतलब कौन बुलाते हैं? बाबा जब बुलाते हैं ना जैसे कोई कोई बहने नहीं आते हैं तो सन्यासी है या वो रामली आत्मा के साथ उनका जन्म जन्म का संबंध ही नहीं, दूसरे धर्म से कनेक्टेड है पूरे, जैसे वो शुद्ध कर रहे हैं सन्यासी नहीं आएंगे, मतलब उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो पूरे प्रभाव में आ गए, अब कब तक प्रभाव में रहेंगे? तब तक नहीं आएंगे, तब तक नहीं आएंगे, मतलब प्रभाव से निकलेंगे, वो शूटिंग से बाहर निकलेंगे तो अपने आप आने लगेंगे, मतलब वो विकारी दृश्य से देखते हैं इसलिए कोई भी दृष्टि से देखते हैं तब तक उनका शूटिंग नहीं है। आज ही बाबा जैसे ब्रह्मा कुमारी को बुद्धि में बैठा दिया
बड़ा सत्यानाशी है, बड़ा राक्षस है। ब्रह्म कुमारी बाबा के नजदीक आने की कोशिश करेंगे, फिर ऐसे ही बुद्धि में बैठ जाता है, बैठाने वाले बैठा देते हैं, बड़ा राक्षस है। जैसे अंधक ने अपना बच्चा बनाया था किसको, लोहितांग को, उसकी बुद्धि में बैठा दिया, अरे शंकर नहीं है तो बड़ा हत्यारा है, तो उसकी बुद्धि में बैठ गया ना, बड़ा हत्यारा है। जब तक प्रभाव में रहेगा तब तक हत्यारा ही समझेगा। लेकिन बाबा शास्त्र ने बताया कि लोहितांग जो है वो सकारात्मक ऊर्जा से बना हुआ है। हाँ, तो उसको पालना मिलेगी तभी तो, अच्छी पालना भी तो मिलनी चाहिए। दो बातें हैं, एक वंशानुक्रम और दूसरा पालना। वंशानुक्रम से सकारात्मक है, लेकिन पालना तो पूरी नकारात्मक मिली ना, इससे कनेक्शन कट हो जाए ना। मतलब उसके ओरिजिनल संस्कारों के अनुसार जब उसको पालना, मतलब अच्छी पालना मिल जाती है, वो सकारात्मक हो सकता है। हो सकता है। ओ, हे भगवान का कल्याण। बाबा मुझे में कहते हैं ना कि अनपढ़ रहना अच्छा है, है? अनपढ़ रहना अच्छा है। अनपढ़ रहना, लेकिन बाबा यज्ञ में तो जो पढ़े लिखे आते हैं उनको तो आगे बढ़ाया जाता है, जो अनपढ़ जो पहले से यज्ञ में रहे हुए हैं उनको अहंकार नहीं आता है सेवा का, अहंकार नहीं आएगा। जो पढ़े लिखे उनको पढ़ाई लिखाई का अहंकार बहुत आता है बाबा, उनको आगे वो माँ को भी नहीं क्या समझने लग पड़ते हैं, माँ कुछ नहीं जानती, बड़ी सीधी साधी है, इतने अच्छे हम हैं। देखो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम पति तो रावण सीता राम, जिनको क्यों आगे बढ़ाते हैं बाबा, तो सभी को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ावा नहीं देते, आत्मा समझ करके तो सभी बच्चे हैं। माँ बाप यही चाहते हैं मेरा हर एक बच्चा आगे बढ़े। हाँ बाबा। ठीक, किसी बच्चे का कल्याण भी चाहते हैं क्या? बाबा अभी सदगुरु के पास शुरू होने वाला है। अच्छा, बाबा की मुरली में बोला। अच्छा चलो, तो फिर बाबा टीचर का पाठ भजन बंद कर देंगे, सुनाएंगे क्या? जब सदगुरु के पास शुरू हो जाएगा तो टीचर का पाठ भजन बंद कर देंगे क्या? पढ़ाई पूरी हुई, पढ़ाई पूरी होगी तभी तो रिजल्ट निकलेगा। हाँ, फिर सर बाबा ने फिर कहा है रुद्रमाला के मंत्र के अनुसार प्रसाद करते रहेंगे। ठीक है, तो जब पढ़ाई 76 तक बाबा बॉम्बे के कैसेट में बताए हैं कि जैसे ब्रह्मा के लिए कहा गया ना कि 50 वर्ष ब्रह्मा के कम हो गए, तो कम हो गया, तो बाबा ने कहा है कि वो 87 से लेकर के आगे के 36 तक का पीरियड उनके लिए कहा है, 50 वर्ष ना, 28 तक 50 वर्ष बताए ना बाबा। तो तब उसके बाद कृष्ण वाली आत्मा जो है वो प्रैक्टिकल में जन्म लेगी, सब परमानेंट राम की आत्मा में प्रवेश करके कार्य करेगी, गुलजार दादी में नहीं जाएगी 28 के बाद। हाँ जी, तो ब्रह्मा के लिए जब ऐसे कहा जाता है 50 वर्ष कम हुए, तो प्रश्न ये पूछा गया था कि रुद्रमाला के मनके है, क्योंकि रुद्रमाला के मनके 4.5 लाख आत्माएं जो है वो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, इसलिए क्योंकि वो रचयिता है, लेकिन उनका पुरुषार्थ तो पूरा नहीं होता ना बाबा, किनका? रुद्रमाला के मनकों का, 4.5 लाख आत्माओं का राजधानी, तो पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पाएंगे ना। लक्ष्मी है आगे जाती है कि नहीं? लक्ष्मी बाबा 4.5 लाख आत्मा जो प्रजात क्वालिटी का, हाँ उनमें भी जो नारायण की पत्नी बन जाएगी पुरुषार्थ करके, समान पुरुषार्थी बन जाएगी, तो वो चंद्रवंशी भी आगे जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते, सूर्यवंशी बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते। तो ऐसे ही और भी है, तो 4.5 लाख आत्मा होगी ना बाबा। हाँ, 4.5 लाख में उनकी भी गिनती होगी। हाँ, तो वो 4.5 लाख आत्मा जो है वो 36 तक कम्प्लीटली अपना पुरुषार्थ पूरा कर लेगी, बिल्कुल स्थूल विनाश उस समय पर हो जाएगा, 36 बिल्कुल टोटल विनाश हो जाएगा बाबा, स्थूल में टोटल विनाश हो जाएगा, स्थूल में ही टोटल, सारी दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आएंगे और सारे ही घर गिर पड़ेंगे, मतलब एक भी घर नहीं बचेगा, सब दब के मर जाएंगे बाबा। ये चैतन्य के लिए लागू होगा या जड़ के लिए भी लागू होगा? क्या बेवकूफी की बात है, जो हद में लागू होता है वो बेहद में लागू नहीं होता है। बाबा
बाबा और एक प्रश्न है क्या क्या करे? एक प्रश्न, अरे माता क्या कहेगी? गई बंद कर दे, हो गया तो बंद कर, एक ही है बाबा। जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्म जो है जब शंकर बैल के ऊपर सवारी करेगा तो मतलब ब्रह्मा को कंट्रोल में आ जाएंगे और रुद्रमाला के मन के वो जो रुद्र के कंट्रोल में रहे तो उस प्रकार से ब्रह्म बाबा भी रुद्रमाला के मन के होंगे ना, क्योंकि शंकर के कंट्रोल में आ जाएंगे, शंकर की सवारी बैल पर हो जाएगी। नहीं, फिर भी प्रवेश करने वाले रहेंगे, सवारी में बाद में प्रवेश करते रहेंगे, प्रवेश करने वाले रहेंगे, प्रवेश करके वो सूर्यवंशी बन जाएंगे। वो सूर्यवंशी तो आखिरी नारायण वो भी बनेगा, वो भी सूर्यवंशी सती में बनेगा कि नहीं? हाँ बनेगा बाबा। तो संस्कार कहाँ से आएंगे, कौन से युग से आएंगे? ए, दो करोड़ है सारे ही सूर्यवंशी बनेंगे। बंद करो, रंग का आवाज आ रहा, उनको नहीं सुहाता है।